नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ लोकसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे रीवा। मौसम के बदले तेवर के साथ बदला कार्यकर्ता मीटिंग का स्थल। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिवसीय बिन दौरे में उमरिया, देवसर, अनूपपुर के बाद रीवा पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महाराजा पुष्पराज सिंह, प्रदेश के काबीना मंत्री कमलेश्वर पटेल भी आए। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मौसम के बदले तेवर ने सभा स्थल को बदलने पर मजबूर कर दिया। अनन फनन में सभा स्थल एयरपोर्ट के बाहर से प्रशासन की अनुमति से अन्यत्र कर दी गई। आइए चलते हैं सीधे रीवा एयरपोर्ट और दिखाते हैं आपको वहां का नजारा। किनारे 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 माननीय अंकु भैया अमर रहो, अमर रहे, अमर रहो, अमर रहे, अमर रहो, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम छोड़ा माला ये सुन ली सहकार। मौसम खराब हो रहा है। आज भाई 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 आज भ
रीवा दर्शन ने महाराजा पुष्पराज सिंह से बातचीत की। हम आपको बता दें, महाराजा पुष्पराज सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ विंध्य दौरे में पूरे समय साथ साथ रहे। कैसा माहौल है और क्या लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी तरीके से सामने आई है बातें। और जो जिसको कहते हैं जो किया है वो भर रहे हैं, जो काम नहीं कर पाए हैं सांसद अपने क्षेत्रों में, कहीं ना कहीं वो सामने बात आ रही है, बहुत ज़ोरों से सामने बात आ रही है। और जो कांग्रेस अपने सिद्धांत और मूल्यों के साथ चल रही है और जो उसको साथ में रखा है, उसकी बात जब हमने रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी, हमारे वहाँ के सारे संसदीय प्रत्याशियों ने रखी, कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े नेताओं ने रखी, तो सारे लोगों के बीच में जो एक बात आ रही थी कि आप जो बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं जो जनता ये 5 साल झेली है मोदी जी के राज में। क्या माना जाए कि विंध्य की चारों सीटों पर आपका कब्जा बरकरार हो पाएगा? पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यह है कि इस समय फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत की जाएगी और अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा तो क्यों ना विजय मिलेगी। लोग असंतुष्ट हैं, पब्लिक असंतुष्ट है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि हम लोग भले 8 सीट यहां हार गए हों, लेकिन राज्य सरकार से लोग संतुष्ट नहीं थे। वहीं कबीना मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक सवाल के जवाब में भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, झूठी अफवाह फैलाना भाजपा की फितरत। आइए सुनते हैं कमलेश्वर पटेल को किसान ऋण माफी पर क्या कहना है। 54 लाख किसान पास पाए गए थे, उसमें से 23 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। इन्होंने 2 रुपए भी नहीं माफ किए थे, शर्म आनी चाहिए। 600 रुपए वृद्धा पेंशन बढ़ गया, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन बढ़ गई, खाते में आना शुरू हो गई। किसानों का जो गेहूं का बोनस है आपका 160 रुपए बढ़ा दिया हमारी सरकार ने, ये दिखाई नहीं दे रहा शुक्ला जी को? लगता है कि उनको धरातल में उनको किसानों की कोई चिंता रही नहीं है। इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। बिजली का बिल हाफ कर दिया, 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली कर दी, 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली देने का हमारी सरकार ने आदेश जारी किया। तेंदुपत्ता का लाभांश 2000 से बढ़ा के 2500 कर दिया, ये सारे काम इनको दिखाई नहीं दे रहे। कन्या विवाह के लिए 51,000 कर दिया, ये क्या है? ये चौपट नाथ जो है ना, वो पिछली सरकार थी और कमलनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में जब मंत्री रहे तब भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे और मध्य प्रदेश सरकार में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी सरकार बनी है, लगातार किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, माता बहनों के हित में एक एक करके निर्णय लिए गए हैं जो प्रशंसनीय है और प्रदेश का किसान और प्रदेश की आम जनता सराह भी रही है। वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद हमने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री कमलनाथ के विंध्य दौरे पर वे बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। कांग्रेस में वापसी तो नहीं हुई है, कांग्रेस ज्वाइन की है अभी, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश में प्रेम भाव और हर समाज को एक साथ लेके जोड़ के सही दिशा में काम करने का प्रयास करती है। विंध्य में कांग्रेस की स्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक नहीं थी, लोकसभा चुनाव में आप इसको कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? देखिए, विंध्य का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए लड़ा था और सरकार तंत्र का जितना दुरुपयोग हो सकता था उसका दुरुपयोग किया। परिणाम चाहे जो भी रहा हो, जनता उससे सहकार नहीं रखती है। विंध्य में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो वोट किन्हीं कारणों से विभाजित हो गया था वो सब वोट एक जगह वापस संगठित हो रहा है और कांग्रेस पहले से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। ठीक, ज़बरदस्त, बहुत असर पड़ेगा और भूतों ने भविष्य ही ना, इस तरीके का कोई मुख्यमंत्री हुआ है आज तक जिसने 85 दिन 90 दिनों के अंदर अपने कहे हुए 73 वादों को पूरा किया और 73 वादों को पूरा करने के बाद वो लोगों के बीच जा रहे हैं और ज़्यादा समय मिला होता तो हो सकता है कि जो काम लोग 5 साल में करते हैं वो 2 साल में करते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री के आने का विंध्य प्रदेश बस पर नहीं, जहाँ जहाँ वो दौरे पे जाएंगे उनका असर पड़ेगा अगर लोग सोच समझ कर वोट करेंगे तो। कांग्रेस में इतनी बड़ी तादाद के साथ बड़े नेताओं का आना कहीं ना कहीं एक वो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेताओं को जो महाराज सिंधिया हों, कमलनाथ जी हों, इन लोगों के प्रति राहुल जी हों, उनके प्रति जो जनता का रुझान है उसको देख करके लोगों को लगता है कि कांग्रेस अच्छा काम करेगी, इसलिए कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। जहां अगर थे
तो उनको लगता है कि कमी थी कांग्रेस में वो पूरी हो सकती है, और जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं लोग किसी पार्टी में, तो उनको लगता है कांग्रेस में आके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात और अपने लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। इस वजह से कांग्रेस में आना बहुत अच्छा है, और उनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी। जब भी किसी परिवार में कोई आदमी जुड़ता है तो उस परिवार में मजबूती आती है, और कोई परिवार छोड़ के जाता है तो परिवार में कमजोरी आती है। तो जो दूसरे दलों से लोग आए जो बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण, ऐसे लोग के आने से कांग्रेस को बहुत लाभ होगा। हैं कहीं ऐसा लग रहा है कि हम घर से बाहर हैं, और निश्चित तौर पर मेरी ये इच्छा है कि विंध्य प्रदेश में कांग्रेस चारों सीट जीते, और आदरणीय राहुल भैया यहाँ के नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन्होंने सबको वो किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ उनके नेतृत्व में जो हमारे बच्चे भतीजे हैं, भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, राजा राम जी, और जो शहडोल से भी जिनको टिकट मिला है प्रतिभा सिंह जी, वो सब लोग जीते, और मध्य प्रदेश में जैसा कि कहते थे विंध्य में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस सही में मजबूत थी, लेकिन कुछ छल छल ऐसा किया गया जो आपके सामने है, जिसके कारण यहाँ कांग्रेस पराजित हुई, और भारी तादाद में जो सीट मिलना था वो बीजेपी ने कई तरह के हथकंडे अपना के वो लिया। अब आगे आप सबका सहयोग, सबका साथ, और पार्टी का जो एक कार्यकर्ता के रूप में जो बन पड़ेगा, एक कार्यकर्ता के नाते हर तरह से काम करूंगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री दौरे पर बारीकी से नजर जमाए रखने वाले शहर अध्यक्ष से भी रीवा दर्शन ने खास बातचीत की। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, क्या खास रहा, और अचानक से प्रोग्राम भी बदला या रिश्ते पर होना था लेकिन मौसम का मिजाज चेंज था, मौसम कांग्रेस परिवार के साथ था, तो आज प्रोग्राम थोड़ा सा तब्दीली आई, और तुरंत ही बगल में परमिशन लेके कार्यकर्ता बैठक की गई, और तेज हवा के कारण, ये तेज हवा एक इशारा है कि मोदी जी इस तेज हवा में गुम हो जाए। क्या कुछ खास रहा कमलनाथ जी ने, क्या टिप्स दिए? कमलनाथ जी ने कहा एक एक आज जो यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, ये हमारे परिवार के अंग हैं, सदस्य हैं, और एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा की मेरी है, और आप लोग रीवा लोकसभा सीट, ये कार्यकर्ता राज तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहा है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको दिल्ली तक भेजें। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर सदस्यता ले रहे हैं, कई दलों से लोग आ रहे हैं कांग्रेस में, कितना उत्साह है पार्टी? आप लगातार 2003 से 2018 के बीच में का एक माहौल देखा होगा, और अचानक जब देश और प्रदेश के अंदर परिवर्तन की एक लहर चल चुकी है, दिल की बात करना आजकल बिल के अंदर हो गई, मामा ने दिल की बात की वो बिल के अंदर हो गई, घुस गए, अब मन की बात करने वाले अंदर घुस गए।